क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि जो एक्चुअल में जो स्फेयर्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज्ड कैसे होते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड के फॉर्म में होते हैं, वो तो हमने देख लिया है, बट स्टिल ओवरऑल लेवल पे उसके अंदर भी अरेंजमेंट कैसे होती है। तो देखिए, या तो अगर आपको स्फेयर्स दिए जाएँ और बोला जाए कि आप वन डायमेंशन में अरेंज करिए, बहुत सारी आपको बॉल दे दी जाए, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल भी स्फेरिकल ही होते हैं जस्ट लाइक बॉल, तो आप उन्हें कैसे अरेंज करेंगे वन डायमेंशन में, यानी एक के ऊपर एक नहीं रखना है, तो ऑब्वियसली आप साइड वाइज रखते चले जाएंगे। दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी प्रेजेंट इन केस ऑफ वन डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर्स। और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि एक एटम्स डायरेक्टली कितने एटम्स के टच में है, दैट इज़ नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 2। अब अगर बात की जाए टू डायमेंशन की, कि आपको अरेंज करना है इन टू डायमेंशन, तब क्या होगा? देखिए, व्हाट यू कैन डू कि पहला लेयर तो वैसे ही होगा, ठीक है? सेकेंड आप क्या करेंगे, देयर टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, इसलिए मैं दो बार अलग अलग ड्रॉ कर ले रहा हूं। अच्छा, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आप जो नेक्स्ट लेयर रखेंगे वो उसके साइड में रखेंगे और वो इसके लेग से जस्ट एकदम पीछे रखें आप। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है व्हेन यू हैव लेट्स से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो अगर आप इनका अगर मिला देंगे आपस में तो विल कम टू नो कि एक स्क्वायर बना है, ठीक है? और अगर इस साइड भी ऐसे ही रख दिया जाए तो मुझे ये बताइए कि एक एटम कितने एटम्स के डायरेक्ट टच में है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर हियर। चलिए मैं चूज करता हूँ इसे, नाउ दिस इज इन डायरेक्ट टच विद हाउ मैनी, वन टू थ्री फोर, और जब इनको मिलाया जाएगा आपस में तो इट वुड लुक लाइक अ स्क्वायर, ठीक है? लाइक दिस, वन टू थ्री फोर। अब देखिए, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो वॉइड है इसमें आप रखेंगे इसके बगल वाली लेयर को, वॉइड्स में, ठीक है? उसके बाद फिर आप इसके वॉइड में उसे रखेंगे। तो व्हाट यू सी कि ये जो तीनों लेयर्स हैं वो सेम है, एक के ऊपर एक आइडेंटिकल है, तो दिस इज कॉल्ड ए ए ए टाइप अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो जो फर्स्ट लेयर है वो अलग है, सेकंड लेयर इज टाइप बी, एंड थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के जैसे ही है, दिस इज ए बी ए टाइप। और इसके अंदर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें एक पर्टिकुलरली इस एटम का, लेट्स से, तो लेट मी चेंज द इंक, यहाँ पे क्या मिल रहा है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और जब इनको आप मिला देंगे तो इट विल लुक लाइक अ हेक्सागोनल, ठीक है? और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ दैट इज 6, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर था दैट वाज 4। सो दिस इज एक्चुअली क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन की, ठीक है? ओके, इन थ्री डायमेंशन व्हाट यू डू कि आप पहला लेयर तो यही है ही, और हम क्या करें कि इस पहले लेयर के ऊपर ही हम दूसरी लेयर रखते चले जाएं, एक स्फेयर के ऊपर ही दूसरा स्फेयर, ठीक है? तो हमें जो मिलेगा वो कुछ इस टाइप में होगा, इसके पीछे भी होगी, और इनके सेंटर्स को जब मिलाया जाएगा आपस में तो यू विल रियलाइज दैट यू विल बी गेट अ क्यूब। हमने जस्ट एग्जैक्टली एक एटम के ऊपर दूसरा एटम रखा है, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल रखी है, हमें क्यूब मिला, एंड दिस इज नोन एज नथिंग बट क्यूब क्लोज पैकिंग, ठीक है? इट्स एक्चुअली हाँ, सेकेंड हम क्या कर सकते थे कि जो हमने दूसरा टाइप का बनाया था ना हेक्सागोनल वाला,
उसको लेकर के हम उसके ऊपर सेकंड लेयर रखते तो कैसा होता? देखिए, फर्स्ट लेयर वो समथिंग लाइक दिस, हमने वॉइड के ऊपर उसके साइड वाली लेयर रखी थी। और फिर इसके वॉइड पे उसके और साइड वाली लेयर रखी थी। अब देखिए, अगर मुझे इसके ऊपर एक और लेयर रखना है तो व्हाट विल आई डू? ऑब्वियसली वॉइड्स के ऊपर ही रखूँगा क्योंकि हम वॉइड्स पे रख रहे हैं। तो इस वॉइड के ऊपर मैं एक बॉल रखता हूँ अपनी, इस वाले वॉइड के ऊपर भी एक बॉल रखूँगा, सिमिलरली इस वॉइड के ऊपर भी रखूँगा, एंड आई कीप ऑन डूइंग लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे एक वॉइड है, इस पे भी एक रखा मैंने, यहाँ पर भी एक है, देन अनदर ऑन दिस वॉइड, अनदर ऑन दिस वाइड, एंड सो ऑन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब ऐसा कर दिया जाएगा तो दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी। लेट्स सी, पहले आप इस वाइड को पर्टिकुलरली देखिए, इफ आई कम ब्रिंग दिस आउट, और दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, एक तो ये वाइड हो गया, दूसरा आप ध्यान दीजिए ऑन दिस टाइप ऑफ वॉइड। एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं है, लेट मी कंप्लीट इट। इसके ऊपर भी मैंने एक और रखा होता अगर, सो सी दिस अनदर टाइप ऑफ वॉइड जो नया क्रिएट हुआ है, वॉइड या होल जिसे कह सकते हैं, एक तो ये रहा, और सेकंड आप ध्यान दीजिए इसे, दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो पहले वाले में हमारे पास में नीचे ये तीन बॉल्स थी और इसके ऊपर हमने एक ये बॉल रखा था, तो यहाँ पर ये जो वॉइड था वो क्लोज हो गया, ठीक है, लाइक दिस। कुछ ऐसा है, अगर इनके सेंटर्स को मिलाया जाए तो इट विल लुक लाइक दिस समथिंग, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरे वॉइड को अगर आप ध्यान से देखें जो मैंने मार्क किया है, उसमें क्या है, तो उसमें कुछ ऐसा है कि तीन बॉल्स नीचे थी इस टाइप में और उसके ऊपर तीन बॉल्स और हैं कुछ इस टाइप में। नाउ दिस इज एन ओपन वॉइड, दोनों साइड से ओपन है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिकॉज दिस इज सराउंडेड बाय सिक्स एटम्स। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द वन विच इज सराउंडेड बाय थ्री एटम्स इज फोर एटम्स इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस टाइप की पैकिंग के अंदर देर आर टू टाइप ऑफ वॉइड्स, वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड, अनदर इज यस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, हर एटम हर यूनिट सेल के अंदर दो टाइप के वॉइड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विच वॉज विच इज नोटेड एज जेड, वेयर एज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओके एक्चुअली नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, दैट मीन्स इट इज टू जेड, वेयर एज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज जेड। यानी कि अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करूं तो मुझे पता है फॉर दिस जेड इज इक्वल टू फोर, फोर एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, तो इसके लिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो होंगे फोर और वो होंगे एट, ट्वाइस ऑफ जेड, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे
वो होंगे 4, बिकॉज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. सो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज जेड एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2z यानी ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल.